नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौंद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में नए बस अड्डे से खांडा मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। कैंडल मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय चौधरी और कांग्रेस के पूर्व MLA रणधीर सिंह ने किया। डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार से सभी वर्ग दुखी है, मांगों को लेकर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज खिलाड़ी भी न्याय के लिए सड़कों पर आकर जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी सोने का मेडल जीतकर देश की शान बने थे, आज वो न्याय पाने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भाजपा सरकार के नेता सत्ता के नशे में ये भूल गए हैं कि जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का मान बढ़ाया था, आज वो भी अपनी मांग के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब उनको न्याय मिलेगा। कुश्ती संघ के प्रधान ब्रजभूषण चरण सिंह को तुरंत प्रभाव से जेल भेजने का काम किया जाए। जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। अगर सरकार ने समय रहते कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो इस आंदोलन को और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने देश की खातिर पसीना बहाया है, हम उनके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं। पूर्व MLA रणधीर सिंह ने कहा कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वहीं केंद्र सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस अब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार आज हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है कि प्रदेश और देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला है जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जिन्होंने देश के मान और सम्मान को दूर दूर तक देश विदेश में ऊंचा किया, उन लोगों ने एक डिमांड करी है कि उनके यौन शोषण हुआ है और इस FIR को लॉन्च करवाने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा है। उनकी डिमांड के हक में हमने ये कैंडल मार्च निकाला है ताकि उनको हौसला मिले, उनके परिवारों को हौसला मिले। हम उनके सहयोग और समर्थन में पूरी तरह से खड़े हुए हैं ताकि उनकी डिमांड जो है जल्द से जल्द पूरी हो। डिमांड सिंपल सी है, जांच बढ़िया हो, तुरंत हो और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को हर हालत में अरेस्ट किया जाए, कस्टोडियल इंटरोगेशन हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। हम जो आज का जो कार्यक्रम है, ये हमारे देश के जो गौरव हैं, देश के जो पहलवान हैं, उनके साथ जो व्यवहार, जो दुष्व्यवहार किया गया है और जो हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, आवाज उठा रही हैं और सरकार उन बेटियों के प्रति सहानुभूति नहीं जो रख रही है, हम हमारी बेटियों के समर्थन में, इस देश के पहलवानों के समर्थन में आज ये कैंडल मार्च निकालने के लिए पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे आम जनता के लोग हैं, विवश हुए हैं, उसके हक में हम पहलवानों के हक में ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च नए बस स्टैंड से लेके बुढ़ा रोड तक हुआ है और ये खिलाड़ियों को बचाने के लिए हुआ है, उनकी सम्मान और उनके हित के हित की बातों को सुरक्षित करने के लिए हुआ है। और हम ये कैंडल मार्च करते रहेंगे जब तक ब्रजभूषण सिंह जेल में नहीं चले जाते, उन खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिलता, ये जब तक चलता रहेगा। अगर हमें दिल्ली भी जाना पड़े तो हम वही वहाँ पे भी जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।